हरिओम हरिओम। आज अब हम शुरू करेंगे अपना वाल्मीकि रामायण का आज का सेशन एक छोटे से मंत्र के साथ। और पहले मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि पहले आप सुन लीजिए, जब आप लोगों को आ जाएगा फिर आप लोग चैंट कर लीजिए। पर मैं दो बार करूंगी, आप लोग सेकेंड टाइम म्यूट करके चैंट करिएगा, ठीक है। ओम रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। ओम रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। तो इसी छोटे से राम मंत्र के साथ राममय होते हुए हम आगे बढ़ेंगे वाल्मीकि रामायण में अपने अगले प्रसंग पे। आज अंजू पंकज लेके आई हैं हमारे लिए। तो अब तक हमने जो देखा है कि जहाँ पे रामायण, हमें रामायण का अध्ययन क्यों करना चाहिए, हम सबको ये समझना चाहिए कि जैसे जो कल्चरली रिच सिविलाइजेशंस होती है, जिनकी संस्कृति में ऐसी चीजें होती हैं और बहुत पुराना उनका लंबा काल होता है हिस्ट्री का, तो हिस्ट्री प्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है कि हम फैक्ट्स प्रेजेंट करते जाएं कि फला फला वर्ष में फला फला काल में ये हुआ था और ये आया, फिर इसके ऊपर ये इन्वेजन हुआ, ये अटैक हुआ और ये साम्राज्य आया, फिर ये अटैक हुआ, और उसको हम याद कर करके और अपने एग्जाम में लिखाएं। और सेकेंड तरीका होता है जो हमारे ऋषि मुनियों ने ध्याया था, सोचा था। सेकेंड तरीका ये है कि हर कुछ जो हुआ, जो भी प्रसंग हुआ, वो हमें कुछ सिखाने के लिए आया था। और अगर हम उन्हीं सीख को स्टोरीज के माध्यम में अपने इतिहास में रखेंगे, पिरोएंगे और परोसेंगे, तो ना कि सिर्फ हम परंतु हमारी अगली कई जेनरेशन, हमारी सारी पुश्तें उन इतिहास के उन सीख को लेकर चलेंगी और अपने जीवन को उस अनुरूप बना पाएंगे कि दे कैन मेक समथिंग ऑफ देयर लाइफ। सिर्फ पैदा होके कुछ साल जी लेना और फिर मर जाना, ये मनुष्य लाइफ का गोल नहीं है। हमारे शास्त्रों का बहुत क्लियर एक पिक्चर है, इनको रामायण और महाभारत को इतिहास कहा जाता है और ये धर्म शास्त्रों में आते हैं। तो हमारे धर्म शास्त्र का कि जो जो ध्येय है, वो अल्टीमेट ध्येय तो मोक्ष ही है। हम सबके लिए ये वर्ड बहुत डिफरेंट है, ये वर्ड हमारे जहन में आता नहीं, हमें लगता है इसमें क्या है, हम जी लें, अच्छे से जी लें, उतना ही बहुत है। परंतु ये सारे धर्म शास्त्र हमें मोक्ष की तरफ ले जाते हैं। तो ये इतिहास में भी, हर प्रसंग में भी, आप अपने आप को बेहतर और बेहतर और बेहतर कैसे कर सकते हैं। और वही हम राम के और सीता के जीवन से सीखते हैं कि जब भी धर्म संकट आते हैं उसमें हमारी क्या चॉइसेस होती हैं, और उन्हीं चॉइसेस के आधार पे हमारा जीवन बनता चला जाता है। जो मेरा आज है वो मेरे सब कल के किए पे था, और जो आज मैं कर रहा हूँ उससे मैं अपना कल बनाती चली जा रही हूँ। तो हमारे जो कर्मा की थ्योरी है और री इंकारनेशन की थ्योरी, वो बहुत क्लियरली बता देती है कि जो आप करोगे वैसा ही भरोगे, और आप ही को स्वयं चुनना है और आप ही को स्वयं करना है। कोई ऊपर बैठा आपके लिए कुछ नहीं लिख रहा, उसके पास वैसे भी बहुत सारे काम है, पूरी सृष्टि का निर्माण और पूरी सृष्टि को देखना, पूरी सृष्टि को मैनेज करना। तो आप अपना अपना कर्म और अपना अपना भाग्य हम बनाते चले जा रहे हैं, और इसीलिए वाल्मीकि रामायण की ये जो कड़ियां हम पिरोते चले जा रहे हैं उसमें बहुत बड़ा योगदान देती है। एंड विद दिस आई इनवाइट अंजू पंकज गोयल, जो बहुत सुंदर तरीके से आप आगे विवेचना करेंगे। ओवर टू यू अंजू। जय श्री राम। मैं अंजू पंकज गोयल, देवदीति की इस मुहिम में कि हम सबको रामायण की हर छोटी से छोटी बातों को ध्यान में रखना चाहिए, उसको खाली पढ़कर भुला ना दें और अपनी संस्कृति और कल्चर को आगे बढ़ाए रखें। तो अब तक जो हमने अयोध्या कांड में देख अरण्य कांड में देखा कि शूर्पनखा जो थी वो पृथ्वी पर उसकी नाक और कान काट दिए गए, और वो पृथ्वी पर जाकर अपने खर के सामने पूरी तरह से विलाप कर रही थी कि, और खर ने बोला कि मैंने तो तुम्हारी संरक्षणा के लिए इतने बलशाली शूरवीर को तुम्हारे साथ भेजा था, फिर तुम ये अनाथों की तरह क्यों विलाप कर रही हो। तो उसने कहा राम के तुम्हारे 14 राक्षस जो मारे गए थे वो तो राम के बाण से मरे पड़े हैं,
और तुम इतने बलशाली होकर शत्रुघाती राम का वध नहीं कर सके, अगर तुम नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे सामने प्राण त्याग दूंगी। शूर्पणखा द्वारा इस तरह के अपमानजनक शब्दों को सुनकर उसके क्रोध पर जैसे मान लो किसी ने नमक डाल दिया हो, और वो अपने उसने कहा कि अच्छा चलो शूर्पणखा, अब राम का गरम गरम रक्त पीने को तैयार हो जाओ। और उसने अपने सेनापति दुष्यंत से कहा कि भयंकर वेगशाली हिंसा से भरपूर 14,000 राक्षसों की सेना को तैयार करो, और मेरे रथ धनुष बाण कवच आदि का तैयार करो। और वह अपने विशाल रथ जिसपे वृक्ष पर्वत सोने के सूर्य चंद्रमा आदि चिन्हित थे उनके ऊपर चढ़कर और अपनी बहन का अपमान का याद करके और अपनी सेना के साथ कूच कर गया। सेना के जैसे उसने सेना के साथ कूच करा तो बड़े भयानक अमंगल सूचक होने लगे। सूर्य मंडल पे चारों तरफ काले कालम रक्तमयी छाया छा गई, और एक जो उसका एक गिद्ध है विशाल गिद्ध उसके रथ पर आकर बैठ गया, जो इस चीज को संकेत कर रहा था कि कुछ अमंगल होने वाला है, लेकिन उसका इसको जरा सा भी आभास नहीं था। उल्काएं आकाश से पृथ्वी पर गिर रही थी, वह ये देखकर उसको इस तरह से गर्जना हो रही थी और उसका बाया अंग भी फड़क रहा था, उसके सर में दर्द होने लगा। तब भी उसने अपशकुनों की परवाह ना करी और अपने बल से आगे उसने कहा कि अब मैं उस घमंडी राम को सबक सिखा कर आता हूँ, और इन दो मनुष्यों की क्या औकात जब इंद्र भी मेरे आगे नहीं ठहर पाए। वह इस राक्षसी सेना को लेकर उत्पात सूचक लक्षणों को भी अनदेखा करता हुआ आगे बढ़ गया। श्री राम ने जब इस तरह के अपने आसपास के माहौल में इस तरह के लक्षण देखे तो उन्हें लगा कि ये महान उत्पात राक्षसों के संहार करने के लिए इस तरह के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, और मेरी दाएं भुजा फड़क रही है, धनुष भी प्रत्यंचा पर चढ़ने का चेष्टा कर रही है। इसका मतलब है कि उन्हें समझ में आने लगा था कि कुछ कुछ होने वाला है। देखो मेरी धनुष और मेरे बाण जो है वो भी इस समय तड़पड़ा रहे हैं कि कुछ होने वाला है। उन्होंने कहा कि कुछ युद्ध होने वाला है, इसलिए उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि तुम ऐसा करो, मैं इस सीता को लेकर तुम इस गुफा में चले जाओ, मैं अकेले ही निशाचरों का संहार करना चाहता हूँ। हालांकि मुझे तुम्हारे बल पर कोई संशय नहीं है, पर फिर भी मैं चाहता हूँ कि इस युद्ध को मैं लड़ूं। ऋषि महर्षि देव आदि अचंभे में सोच रहे थे कि 14,000 राक्षसों का सामना ये धर्मात्मा राम कैसे करेंगे। जब श्री राम को धनुष के साथ राक्षस खर ने अन्य राक्षसों के साथ श्री राम को घेर लिया और नाना प्रकार से अस्त्र शस्त्र का वर्षा करने लगे। मेघ के समान श्री राम पर शूलों खड़गों से वर्षा कर रहे थे। श्री राम हालांकि लहू लुहान हो रहे थे पर वह उसमें डटे रहे। देवी देवता उनको लड़ते देखकर विषाद कर रहे थे कि हाय श्री राम अकेले इस इतनी बड़ी विशाल सेना का सामना कैसे करेंगे। उसी समय श्री राम ने इस तरह का एक नालिक नारच विकर्णी नाम के बाणों को छोड़ा जिससे राक्षसी सेना का हजारों सेना जो थी एक एक ही क्षण में नीचे मतलब मर गई, और जो राक्षस बचे थे वे आहत होके राक्षस खर के पास दौड़े और उनसे राक्षस जो दुष्यंत थे उन्होंने जो कि उनके सेनापति थे उन्होंने उनको फिर से हौसला दिया। जो राक्षस बचे हुए थे उन्होंने फिर से उनके ऊपर पत्थरों से वृक्ष से उसके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। महाबली दुष्यंत ने जब अपनी सेना का ये हालत देखा तो वह 5,000 राक्षसों के साथ आगे बढ़े और शूल तलवार और बाण से श्री राम के ऊपर हमला करने लगे। कुपित श्री राम ने शूर नामक एक बाण से दूषण का रथ सारथी को नीचे गिरा दिया। दूषण ने भी सर्प के भांति परिक को लेकर श्री राम पर टूट पड़े, पर श्री राम ने उसकी दोनों भुजाएं काट डाली और 5,000 राक्षसों को यमलोक पहुंचा दिया। अपने महाबलियों की इस तरह की दशा देखकर उसने दुर्जय महामारी और महाबली आदि 12 राक्षसों के साथ हमला किया और श्री राम ने अग्नि तुल्य तेजस्वी साइको द्वारा सहस्त्र राक्षसों का संहार कर डाला। इस तरह से ये तो दूषण और श्री राम का युद्ध चल रहा था। जब बाद में त्रिशा ने भी खर से पहले खर जब उस तरह से जब दूषण मारा गया तो त्रिशा ने खर से कहा जो राक्षस खर आया था उसने इस तरह से कहा कि आप अभी युद्ध में मत जाइए, पहले मैं इस श्री राम को देखता हूँ। उसने उसके आते ही बड़े वेग से बाणों की वर्षा श्री राम के ऊपर कर दी, पर श्री राम ने तीन बाणों से श्री राम के ललाट को बींध दिया। कुपित हुए श्री राम ने त्रिशा की छाती में 14 बाण मारे
और उसके छोड़े हुए साथी और राक्षस आदि की भी छाती भेद डाली। त्रिशा के मस्तक की कट जाने पर पृथ्वी पर वो धराशायी होकर गिर पड़ा। ये सब देखकर बाकी जो राक्षस थे, उन्होंने जब अपने जो उनके त्रिशा जो उनका सीन जो बड़ा राक्षस था उसको जब मरा हुआ देखा, तो बाकी राक्षस भी वहां से भाग गए। खर ने जब उन्हें भागते हुए देखा तो उन्हें खदेड़ते हुए कहा कि अरे एक मनुष्य से डरकर तुम भाग रहे हो, इस तरह की इस किस राक्षस जाति के तुम हो? एकमात्र श्री राम ने दुष्यंत, त्रिशा और 14,000 प्रमुख बलशाली राक्षसों को काल के गाल में पहुंचा दिया। ये सोचकर खर नारच तीर चलाने के लिए तत्पर हुआ। तब श्री राम ने अपने आप को चारों ओर से बाणों से ढक लिया। फिर खर ने विकर्णी नाम बाण से प्रहार किया और उन्हें थका समझकर श्री राम के समीप अपना रथ ले गया। उसे लगा ये तो एक मनुष्य है, इसे तो मैं अब अपने रथ से अकेले ही उसके पास ले जाके क्या कर लेगा, मैं इसको इसी को अभी इसकी खत्म करता हूँ। और उसने यह वह भूल गया कि जैसे पतंगा स्वयं आग के पास चला जाता है, वैसी खर श्री राम के पास अकेला ही अपने रथ को लेकर पहुंच गया। श्री राम के सारे अंगों पर खर के बाण धस गए, उसने इतना तेज बाण चलाया जाते साथ ही तो उसके बाण धस गए। तब श्री राम ने महर्षि अगस्त्य द्वारा दिए हुए एक विशाल धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई और उसके दोनों उसके छह बाण मारे, जिससे एक मस्तक, दोनों भुजाएं, तीन छाती पर और रथ पहिए, ध्वजा आदि सब पे मारकर 13 बाण मारे। तब खर हाथ में गदा लेकर पृथ्वी पर कूद गया और कठोर शब्दों में बोला कि अरे तूने मेरी विशाल सेना के साथ तूने मेरा क्या क्रूरतापूर्वक कर्म किया है, और अब किस तरह से तूने मेरी सेना का और मेरा हाल करने की कोशिश कर रहा है, पर अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इसे देखकर श्री राम कठोर शब्दों में बोले कि हाथी, घोड़े और रथों से अपनी विशाल सेना के साथ तूने दंड काटने में निवास करने वाले तपस्वी मुनियों को इतना इतना कष्ट पहुंचाया है और पाप करके तू सुख के अनुभव करता है, पर आज तेरे पापों के कर्मों का फल भी पूरा तुझे में मिलेगा। तू जितनी इच्छा हो प्रहार कर, परास्त करने का प्रयत्न कर, मैं तेरा मस्तक काट कर उन तपस्वी मुनियों की आत्मा को शांति पहुंचाऊंगा। इस प्रकार खर बोला तू साधारण राक्षसों को मारकर क्षत्रिय होकर बड़ी व्यर्थ बड़ाई कर रहा है, क्या नहीं देख रहा कि मैं नाना प्रकार की धातुओं से युक्त अविचल पर्वत के समान तेरे सामने खड़ा हूँ। खर ने ब्रज के समान गदा को श्री राम पर फेंका, श्री राम ने एक बाण से उसे ऐसे चूर चूर कर दिया मानो सर्पनी मंत्र और औषधि के बल से गिराई गई हो। तब खर बोला राक्षस धाम, तो वह खर से बोले राक्षस धाम क्या यही तेरा बल है, व्यर्थ ढींग हाँक रहा था, अब मैं तेरे अपने बाणों से तेरे शरीर को विदीर्ण करके तेरा गला भी काटूंगा। ऐसा कहते हुए उन्हें पास इस पे क्रोधित होकर खर ने पास पड़े साखू के पेड़ को राम जी के ऊपर दे मारा, जिसे राम जी ने बाण से काटकर गिरा दिया। तत्पश्चात उन बाणों से खर के शरीर में इतने घाव कर दिए और उसके शरीर से रक्त ऐसे गिर रहा था मानो पर्वत से जल की धाराएं बह रही हों। वह राक्षस बड़े वेग से राम जी पर लपका। तब श्री राम ने देवराज इंद्र का दिया हुआ बाण पूरे वेग के साथ छोड़ा और जो खर की छाती में लगा और खर धराशायी हो गया। देवतागण दुदुम्बी बजाते हुए श्री राम पर फूलों की वर्षा करने लगे और बाकी महर्षि आपस में बात कर रहे थे कि इसीलिए विशेष उपाय करके श्री राम को पंचवटी में इस प्रदेश में पहुंचाया गया, ताकि इस बहुरूपी खर दूषण सहित 14,000 और अधिक राक्षसों से हमें मुक्ति मिल सके। इसी बीच लक्ष्मण और सीता भी गुफा से निकलकर बाहर आ गए और प्रसन्नचित होकर श्री राम की जो तारीफें हो रही थी उसको सुन रहे थे और मन ही मन श्री राम को प्रशंसा कर रहे थे और उन्हें प्रणाम कर रहे थे। यहाँ तक कि हमने भी पढ़ा था, अब हम आगे का पढ़ते हैं। अकंपन नाम का राक्षस शीघ्र ही लंका में प्रवेश कर गया और रावण को सारा हाल बताया कि खर, दूषण, त्रिशिर आदि मारे गए। रावण ने क्रोध में कांपते हुए कहा, मैं तो काल का भी काल हूँ, अपने वेग से वायु की गति रोक सकता हूँ, अपने तेज से सूर्य और अग्नि को भी जलाकर भस्म कर सकता हूँ। तब अकंपन ने अपने अभय की याचना की और उसने कहा कि अगर आप मुझे क्षमा दान दें तो मैं श्री राम का वर्णन करूं कि दशरथ पुत्र पंचवटी में गठे हुए सिंह के समान शरीर वाले, यशस्वी, तेजस्वी, जिनकी जिन्होंने अपने बल के पराक्रम से खर और दूषण का वध कर दिया, वे श्री राम पंचवटी में निवास कर रहे हैं। रावण ने कहा तो क्या संपूर्ण देवता आदि भी उनके
उनके उनके आगे कुछ उनके साथ हैं। तब अंकंपन बोला, राम तो युद्ध कला में पारंगत है, वे अब सिर्फ एक साधारण मनुष्य के रूप में आए हैं, उनके साथ कोई देवता मुनि नहीं है, लेकिन उनके साथ उन्हीं के समान बलशाली भाई है। उनके छोड़े हुए बाण सर्प की भांति राक्षसों को खा गए, वे जिधर जाते हैं राम को अपने सामने खड़ा पाते हैं। रावण ने कहा कि अब मैं उसका वध करने जन स्थान पर जाऊंगा। तो अकंपन बोले कि पहले उनका पूरा पुरुषार्थ तो सुन लीजिए, उनके पूरे बल का वर्णन तो सुन लीजिए। कि अकंपन ने बोलना शुरू करा कि अगर श्री राम कुपित हो जाएं तो बाण से नदी का वेग पलट सकते हैं, सारे ब्रह्मांड को पीड़ा दे सकते हैं, पृथ्वी को ऊपर उठाकर समुद्र के वेग को रोक सकते हैं, वायु को नष्ट कर सकते हैं। मेरी समझ से संपूर्ण देवता और असुर भी मिलकर उनका वध नहीं कर सकते, पर मेरी समझ में आप शांत भाव से एक युक्ति सुनिए। इसके बाद उसने अपनी एक तरकीब रावण को सुनानी शुरू करी कि श्री राम की एक धर्म पत्नी सीता है, जिसका अंग प्रत्यंग सुंदर और सुडोल है, उनकी तुलना देव कन्या, अप्सरा, गंधर्व कन्या, सर्प कन्या से भी नहीं की जा सकती। अगर हम उनका अपहरण कर लिया जाए तो संभवतः श्री राम कदापि जीवित ना रह सके और उनके वियोग में ही मर जाए। रावण ने कुछ सोचकर कहा कि कल मैं अकेला ही उस सीता का अपहरण करके लेके आऊंगा। और उसने कुछ सोचकर और अपने सर्व तुल्य विशाल रथ पर बैठ के निकल पड़ा। रास्ते में उसको टाटका पुत्र मारीच मिला और उसने रावण के इतने उतावले मन को जानने का कारण पूछा। सारा वृतांत उसने मारीच को सुनाया। मारीच ने घबराते हुए उनको मारीच राक्षस जो था उसने घबराते हुए रावण को बोला कि किस मित्र रूपी शत्रु ने आपको ये सलाह दी है कि किसने संपूर्ण राक्षस जाति को खत्म करने की सलाह दी है आपको? ऐसा खोटी सलाह से तो आपको कुमार्ग पे पहुंचाया है। ऐसी बात सुनकर रावण ने कहा, आप तुम कहना क्या चाहते हो? तो उसने आगे कहना शुरू किया कि महाराज, श्री राम मनुष्य के रूप में सिंह हैं, युद्ध स्थल में उनकी ओर देखना भी प्रलय है, और आप जूझने की बात कर रहे हैं। राक्षस राज ने पताल तल व्यापी महासागर है, भुजाएं बाण तरंग मालाएं हैं, उनसे बैर तो कदाचित भी उचित नहीं है। आप वापस सकुशल लौट जाइए और अपनी स्त्रियों के साथ अपने सुंदर महल में रमण करिए और उन्हें उनकी पत्नी के साथ वन में विहार करने दीजिए। मारीच की ये बात सुनकर रावण वापस अपनी पुरी में लौट आया और अपनी आराम से बैठा हुआ अपने महल में बैठा हुआ था। जब शूर्पनखा ने देखा कि अकेले राम ने बलशाली खर दुष्यंत को मार गिराया है तो और रावण भी शांत होकर बैठ गया, तो वह चित्कारें मारती हुई रावण के महल में पहुंची और उसकी 20 रावण जो है वो स्वर्णमय सिंहासन पर मंत्रियों से घिरा बैठा था। उसकी 20 भुजाएं, 10 सिर थे, वक्ष स्थल पर विशाल नीलम धारण किया हुआ था, वे सोने के तपाए आभूषणों से उसकी शरीर की शोभा बढ़ा रहे थे। देवताओं को युद्ध करते समय सैकड़ों बार अस्त्र शस्त्र से जो उसके शरीर पर निशान थे वो सब दिखाई दे रहे थे। उसने सब प्रकार के दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करा था, कैलाश पर्वत पर कुबेर को हराकर पुष्पक विमान भी छीन रखा था, सूर्य चंद्रमा को हाथों से रोक देता था। उसने 10,000 वर्षों तक ब्रह्मा जी को अपने मस्तकों की बलि दी थी। वे दानव, देवता, गंधर्व, पिशाच आदि से अभय प्राप्त था। वह रूखे, दुष्ट, क्रूर कर्मों वाला था। केवल मनुष्य के सिवा किसी से भी उसको मृत्यु का भय नहीं था। मंत्रियों से घिरे हुए उस रावण के पास जाकर शूर्पनखा ने चित्कारे मारकर उनको कहा, उनको अपने कटे हुए कान नाक दिखाकर बोला कि जो राजा निम्न श्रेणी के भोगों में आसक्त हो, स्वेच्छाचारी और लोभी हो गया, मतलब उसे भड़काना शुरू करा रावण को उन्होंने कि कामनी आदि के भोगों में आसक्त हो गया, चापलूसों से घिरा हुआ हो, उसकी दूरदर्शिता ना हो और जिसके स्वजन मारे गए हो, जनस्थान उजड़ गया हो और उसका भय भी खत्म होता जा रहा हो और लोभ और प्रमाद में फंसकर वो पराधीन हो रहा हो, जो राजा अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, रक्षा और मंत्रियों को सावधान नहीं करता, वह शीघ्र ही राज्य से भ्रष्ट और दीन होकर भूतल के तिनकों के समान क्षीण हो जाता है और किसी काम का नहीं रहता। रावण, तुम्हारी बुद्धि दूषित हो गई है, तुम गुण दोष आदर अनादर के बारे में नहीं सोच रहे हो। इस तरह से वो उसको लगातार भड़काए जा रही थी और इस तरह के दोषारोपण से जो रावण है वो सोच में पड़ रहा था
कि ये इस तरह से मुझे इस तरह से तिरस्कार मेरा करे चले जा रही है। शूर्पणखा के ऐसे भड़काने पर रावण ने कुपित होकर पूछा कि कौन है ये रावण राम। शूर्पणखा बोली, दशरथपुर राम राम रूप कामदेव समान है, तथा वे कब बाण हाथ में लेते हैं कब छोड़ते हैं उन्हें कोई देख ही नहीं पाता। वे अकेले और पैदल हैं। 3 घड़ी में ही उन्होंने खर भूषण समेत 14,000 भयंकर बलशाली राक्षसों का संहार कर दिया और स्त्री वध के भय से उनके समान भाई भाई लक्ष्मण ने मुझे अपमानित करके छोड़ दिया, नहीं तो वो मेरा भी वध कर देते। श्री राम उन्हीं की पत्नी श्री राम की पत्नी सीता पूर्ण चंद्रमा के समान है, अंगों से सुडोल शुभ लक्षणों से संपन्न है, उनके समान कोई देव गंधर्व कन्या नहीं है। मैं तो उसे तुम्हारी भार्या बनाने के लिए उद्यत हुई थी, लेकिन उस लक्ष्मण ने तो मुझे ही कुरूप बना दिया। उसका तुम रूप देखोगे तो कामदेव हो जाओगे। रावण, अब तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उसको उसको अपना भार्य बनाने का प्रयत्न करो और मेरा और उस उन सब 14,000 राक्षसों का बदला लो। शूर्पणखा की इस तरह की कटाक्ष बातों से रावण ने मन ही मन सीता का हरण करने का निश्चय किया और सारथी को अपने स्वर्णमयी विशाल रथ पर जिसपे श्वेत छत्र चंवर ध्वजा थी के साथ तैयार करने को कहा। रावण के 10 मुख और 20 भुजाएं विशाल पर्वत के समान प्रतीत हो रही थी। कुबेर के छोटे भाई रावण रास्ते भर सुंदरता देखता जा रहा था कि अचानक सिंधु राज के तट पर ऐसा मनोहर स्वर्ग समान स्थान दिखा जहाँ एक बरगद का वृक्ष था जिसके चारों ओर मुनि निवास कर रहे थे और वही वह वृक्ष था जिसकी शाखा विशाल के गरुड़ के बोझ से टूटी हुई थी। गरुड़ एक हाथी और कछुए को खाने के लिए बैठा था और उसी डाली के टूटने से नीचे बैठे मुनियों को घायल होने से बचाया था। इससे मुनियों ने उसे बहुत आशीर्वाद दिया था और फिर उस गरुड़ ने इंद्र भवन में जाकर अमृत को भी ले आया था। गरुड़ द्वारा तोड़ी गई डाली का चिन्ह अभी भी उस बरगद में मौजूद था और उस वट वृक्ष का नाम सुभद्र वट था। इस तरह के सुंदर सुभद्र वट को देखता हुआ जा रहा था तभी उसने उसके बरगद के पेड़ के नीचे काला मृग चरम पहने राक्षस मारीच को देखा। रावण को देख मारीच ने उससे फिर से कुशल क्षेम और आने का प्रयोजन पूछा। रावण बोला कि मेरा भाई खर महाभाव दूषण आदि 14,000 राक्षस मेरी आज्ञा से ही जन स्थान में रहते थे, इसी स्थान में रहते थे और सब जीव जंतु और मुनियों पर राज करते थे, पर उस मनुष्य ने पैदल और अकेले ही सारे राक्षसों का वध कर दिया व मेरी बहन शूर्पणखा को कुरूप बना दिया। उससे बदला लेने के लिए ही मैं उसकी स्त्री को अपहरण करने के लिए निकला हूँ। तुम्हें मेरी सहायता करनी होगी। मारीच पहले उनकी बात को सुनता रहा। रावण आगे बोला, तुम भिन्न भिन्न मायाओं में कुशल हो, तुम सोने के मृग का रूप धारण कर जाओ और सीता अवश्य ही तुम्हारे उस रूप को देखकर राम लक्ष्मण को उसे पकड़ने के लिए भेजेगी, तब पीछे से मैं सीता को सुख पूर्वक हर लूंगा। राम दुखी और दुर्बल हो जाएगा, फिर मैं उस पर प्रहार करूंगा। रावण की बात सुनकर मारीच रामचंद्र के पराक्रम को जो मन ही मन जानता था उसका मुख सूख गया और वह भय से थर्रा गया। उसने रावण से कहा कि प्रिय के साथ अप्रिय बात को कहने और सुनने वाले दोनों ही दुर्लभ हैं। आप निश्चय ही श्री रामचंद्र जी को नहीं जानते, वे इंद्र और वरुण के समान हैं। मुझे संदेह है कि इस कृत्य से कुपित हो राम समस्त लोगों से राक्षसों को गायब भी ना कर दे। श्री राम धर्म मर्यादित हैं, ना लोभी हैं, ना दूषित आचार वाले हैं, ना विचार वाले हैं, ना क्रूर हैं। वे स्वयं पिता के वचनों का मान रखने के लिए राज्य का भोग त्याग करके दंडक वन में प्रविष्ट हुए हैं और सीता भी पतिव्रता नारी के तेज के कारण सुरक्षित है। सूर्य की प्रभा और सीता को राम से अलग करना असंभव है। श्री राम प्रज्वलित अग्नि के समान है और तुम राम रूपी यमराज के पास तुम उसको यमराज के पास खुद ही जाना चाहते हो। अपने राज्य सुख और प्राणों का क्या तुम्हें मोह नहीं है? तुम विभीषण आदि जो सुबुद्धि वाले मंत्रीगण हैं, तुम उनसे सलाह क्यों नहीं करते? वह तुम्हें श्री राम की शक्तियों को भली भांति समझा सकेंगे। उनसे युद्ध तो कदाचित भी उचित नहीं है। आगे फिर एक बार मारीच ने बोलना शुरू करा कि एक बार अभिमान में जब मुझमें 1,000 हाथियों का बल था तो मैं समस्त जगत में भय उत्पन्न करता था
उन दिनों विश्वामित्र ने 12 वर्षीय श्री राम को राजा दशरथ से राक्षसों का संहार करने के लिए मुझे श्री राम को मांग लिया था। राजा दशरथ हालांकि तैयार नहीं थे कि 12 वर्षीय अपने बालक को वो राक्षसों को मारने के लिए वन में भेजे, पर उन्होंने हिचकते हुए बालक राम को विश्वामित्र जी के साथ भेज दिया। आश्रम में यज्ञ के दौरान बालक श्री राम ने धनुष की टंकार की और उधर मैं भी खमंड में अप्रशिक्षित में अभय वरदान के साथ आश्रम में तहस नहस करने पहुंच गया, परंतु बालक राम ने तीखा वाण छोड़ा कि मैं 100 योजन दूर समुद्र में जा गिरा। जब मुझे होश आया तो मैं लंकापुरी आया था। उस बालक ने, जिसे अस्त्र चलाने का भी पूरा अभ्यास नहीं था, फिर भी मुझे व मेरे सहायकों को खदेड़ दिया। अरे रावण, ये तो समझो कि विदेह कुमारी के कारण तुम लंकापुरी का विनाश करने में तुले हुए हो। तुम अपनी आंखों से देखोगे कि हर घर जल रहा होगा, बाणों का जाल होगा। अगर तुम अधिक काल तक राज्य वैभव और स्त्री का भोग करना चाहते हो तो श्री राम से बैर ना करो। उस दिन तो मैं श्री राम के सिर्फ एक बाण से 100 योजन दूर जा के बच गया था, पर फिर भी मैं विरोध से बाज नहीं आया और एक बार फिर से मृग रूप धार करके 2 राक्षसों के साथ दंडक वन में विचरने लगा और तपस्विनी जनों को तिरस्कृत करने लगा, उन्हें अपमानित करने लगा। मैं मांस खाता, रक्तपान करता, मतवाला हो दंडक वन में घूमता रहा। फिर मैं वहां पहुंचा जहां श्री राम, सीता और लक्ष्मण ठहरे हुए थे। पहले के बैर के कारण मुझे वो बार बार स्मरण हो रहा था कि किस तरह से उसने एक बाण से मुझे 100 योजन दूर गिरा दिया था, तो मेरी पर उसको स्मरण करके मैं कुपित हो गया। मेरी आकृति मृग के समान थी, पर बुद्धि खराब होने के कारण उनकी शक्ति और प्रभाव को मैं भूल गया। श्री राम ने 3 बाण मारे जिससे मेरे दोनों साथी उसी क्षण मारे गए, लेकिन तब भी मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं सौभाग्य से बच गया और कुछ प्रभु की दृष्टि और देवताओं की योग के उससे मुझे सुबुद्धि आई, मुझे नया जीवन मिला और तभी मैंने प्रण किया कि मैं दुष्कर्म त्याग कर संन्यास और योगाभ्यास में लग जाऊंगा। मैं सपने में भी श्री राम को देखता हूँ तो डर जाता हूँ। मैं इस कार्य में तुम्हारा साथ नहीं दे सकता और यदि नहीं मानोगे तो युद्ध में बंधु बांधवों सहित तुम्हें अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। मारीच की ये बात सुनकर रावण बोला, अरे मूर्खतापूर्ण बातें कर रहा है, अब तू राक्षस जाति का तो हेराहा ही नहीं है। जो मनुष्य अपनी सौतेली माँ के वचनों से ही भव्य राज माता पिता को सहसा छोड़ जंगल में आ गया, वह समझदार कैसे हो सकता है। वह मनुष्य तो एक साधारण मनुष्य की तरह है। तू अपने राजा के सामने पूछे ना जाने पर भी उस साधारण मनुष्य के गुण पराक्रम की गणना व्याख्या किए चले जा रहे हो। तुम्हारा काम सिर्फ अपने राजा के समक्ष मधुर, हितकर, आदरयुक्त बात करनी है और उनकी आज्ञा माननी है। मैंने तुमसे उस मनुष्य के उचित और अनुचित व्यवहार और पराक्रम के बारे में नहीं पूछा। मैंने सिर्फ तुम्हें आज्ञा दी है कि तुम स्वर्णमय मृग जिसकी चांदी की सी बूंदे हो, सीता के आगे पीछे घूमना। सीता अवश्य राम को पकड़ने भेजेगी और दूर जाते ही तुम राम की आवाज में बोलना, हा सीते, हा लक्ष्मण, जिससे घबराकर सीता लक्ष्मण को ढूंढने भेजेगी और मैं सीता को हर लूंगा। इस कार्य को पूर्ण करने की तुम्हारा कर्तव्य है और इसके लिए मैं तुम्हें अपना आधा राज्य दे दूंगा, नहीं तो मैं बलपूर्वक तुमसे करवाकर तुम्हें मार भी डालूंगा। मेरा विरोध करने पर तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित ही है। फिर मारीच ने कहा, किसी पापचारी से ने अहित होकर विचार कर तुम्हें ये पाप करने का आदेश दिया है। तुम्हारे कर्मों से दूसरे लोग, प्रजा और समस्त राक्षस जाति का भी नाश निश्चित है। तुम्हारी क्रूर दुर्बुद्धि से सबका विनाश है। मैं तुम्हारा हितेशी हूँ इसलिए इतना समझा रहा हूँ। मारीच ने कहा, मेरी मृत्यु तो निश्चित है, मैं तो मारा ही जाऊंगा, चाहे तुम्हारे हाथों से मारा जाऊं या श्री राम के हाथों से मारा जाऊं। तो इससे अच्छा है कि मैं श्री राम के हाथों से मारा जाऊं और कृतकृत्य हो जाऊं। तुम्हारे जैसे राजा के बलपूर्वक प्राण दंड देने का कष्ट तो नहीं भोगूंगा। इस तरह कहकर मारीच ने उसके आगे अपने हथियार डाल दिए, मतलब रावण की बात को मान लिया। हालांकि वो इसके लिए तैयार नहीं था, उसने भरसक कोशिश की कि मैं रावण को समझा दूं कि
राम से इस तरह का वैर ना करे, उसको साधारण मनुष्य ना समझे। दुखी मन से मारीच ने रावण को बोला, चलो चलते हैं, जब तुम दुष्टा पर उतारू ही हो चुके हो तो अब मैं कुछ नहीं कर सकता। रावण ने प्रसन्न होकर कहा, ये हुई ना वीरता वाली बात, अब शीघ्र आकाशगामी मेरे इस रथ में बैठ जाओ और किसी भी तरह से सीता को लुभाओ। दोनों रथ में बैठकर दंडक वन की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर मारीच ने मृग का अद्भुत आकर्षक रूप धारण करा, जिसके सिंहों पर मणि, मुख लाल, शरीर सुनहरा, कान नील कमल समान, चांदी सी बूंदे बूंदे की दहे और उसकी कांति बड़ी ही मनोहर थी, मनोहर और चिकनी थी। वे आश्रम के आसपास रोशनी फैलाता हुआ घूम रहा था। वे हर तरह से कोशिश कर रहा था कि सीता की दृष्टि उस पर पड़ जाए। आसपास जो और मृग घूम रहे थे वो उसे सूंघकर घबराकर दसों दिशाओं में भाग गए। उधर सीता फूलों को चुनती हुई जा रही थी, तभी उसकी अचानक दृष्टि इस रत्न में मृग की ओर पड़ी, जिसका अंग प्रत्यंग मुक्त मणियों से भरपूर था। वैसे विस्मय और स्नेह से देखने लगी और राम लक्ष्मण को देखने लगी और उन्होंने राम लक्ष्मण को हथियार लेकर आने के लिए पुकारा। और जैसे ही वो हथियार लेकर आए, उन्होंने कहा कि उस दुर्लभ मृग को तो देखो, पर राक्षस उस मृग को तो देखो, मेरा उस पर जी ललचा रहा है। पर लक्ष्मण जो जो थोड़े से अपने उसमें थे, उन्होंने कहा कि मुझे कुछ संदेह हो रहा है, कहीं ये मारिच बहुरूपी राक्षस तो नहीं है। उन्होंने कहा कि भूतल पर कहीं भी ऐसा रत्नमय मृग तो नहीं है, निसंदेह ये माया है। लक्ष्मण अभी ये बात बोल ही रहे थे कि सीता ने बीच में ही रोक कर कहा, इसने तो मेरे मन को हर लिया है, ऐसा दीप्तिमान सौम्य मृग मैंने कभी नहीं देखा। इसका रूप अद्भुत चंद्रमा के समान शोभा पा रहा है। जब हमारा वनवास खत्म होगा तो ये हमारे अंतःपुर राज्य की शोभा बढ़ाएगा। हर्ष से भरे राम ने कहा कि लक्ष्मण देखो, सीता की कितनी प्रबल इच्छा है इस रत्न विभूषित सुनहरी प्रभा वाले मृग को लेने की। तो इसको अगर हम इसको जिंदा नहीं भी पकड़ पाए तो उसके सुनहरे चमड़े पर ही सीता को बिठा देंगे और उसकी इच्छा को पूरी करेंगे। और अगर तुम्हारे कथानुसार अगर ये राक्षस मारीच है तो भी तो इसका वध जरूरी ही है ना। लक्ष्मण तुम ऐसा करो, तुम आश्रम में रहो और सीता की रक्षा करो और उसके साथ सावधान रहना। तब तक मैं इस मृग को मारकर वापिस ना आ जाऊं, तुम यहाँ से हटना मत, यहाँ चारों राक्षस हैं, इसलिए हर तरह से चौकन्ने रहना। लक्ष्मण को इस तरह का आदेश देकर धनुष हाथ में लेकर दो तरकस बांधकर राम जो हैं वो उस मृग के पीछे चल दिए। श्री राम को आता देख मृगों के राजा कांचन मृग भय के मारे छुप गए, पर मृग बना राक्षस मारिच छलांगे मारता, कभी दिखता, कभी अदृश्य हो जाता, कभी लुभाता, श्री राम को आश्रम से बहुत दूर ले गया। मोहित मोहित होकर श्री राम भी उसके पीछे पीछे चले चले जा रहे थे। फिर कुपित होकर थोड़ा विश्राम करते, जैसे वो विश्राम करने बैठते वो फिर से प्रकट हो जाता। तब श्री राम ने ब्रह्मा जी का दिया हुआ तेजस्वी शत्रु संहारक बाण मारिच पर चढ़ाया और मारिच अपने असली रूप में आ गया। और रावण के कथानुसार उसने राम की आवाज में पुकारा, हे सीते, हे लक्ष्मण। राम उसके असली रूप को देखकर सीता के लिए चिंतित हो गए और उन्हें अचानक लगा कि लक्ष्मण की ये बात तो सही निकली और उस आवाज की नकल सुन लक्ष्मण और सीता चिंता में फौरन पंचवटी से निकल ना आए और वह फौरन वापिस पंचवटी की ओर प्रस्थान करने लगे। उधर पंचवटी में मारिच की बनावटी आवाज सुनकर सीता व्याकुल हो गई और लक्ष्मण से बोली कि जरूर श्री राम किसी विपदा में है और वे राक्षस के पंजे में फंस गए हैं, उनकी सहायता के लिए तुरंत जाओ। पर लक्ष्मण के ऐसा कहने पर भी वह नहीं गए। लक्ष्मण ने कहा, माँ आप श्री राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है, आप उनकी चिंता ना करिए, ये कोई माया जाल है। और वह वहां से नहीं गए। सीता उनसे पहले तो प्रार्थना करती रही कि आप जाइए, जो श्री राम है वो किसी विपदा में, किसी राक्षस ने उन पे हमला कर दिया है। पर जब वह नहीं गए तो सीता शुभ्ध होकर बोली,
तुम तो भाई के तुम अपने भाई के ही शत्रु हो। संकट में भाई के पास सहायता करने नहीं जा रहे हो, निसंदेह तुम भाई का विनाश ही चाहते हो और मुझ पर अधिकार करना चाहते हो। शायद तुम्हारे मन में लोभ आ गया है। उनकी प्राणों की रक्षा सेवा करने का क्या ढोंग कर रहे थे? ये ढोंग मुझे अब समझ में आ रहा है कि तुम्हारी तो मंशा ही कुछ और थी कि श्री राम को कुछ अनहित हो जाए और तुम मुझे और राज्य को हर सको। सीता जी को ऐसा रोता देखकर लक्ष्मण जी बोले, विधे नंदिनी, आप विश्वास करें, देवता, राक्षस, पिशाच, किन्नर, कोई भी श्री राम का सामना नहीं कर सकता और मैं उनकी अनुपस्थिति में आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। उनके बल और पराक्रम पर विश्वास रखें, ये अवश्य ही किसी राक्षस की माया है। लक्ष्मण के ऐसा कहने पर सीता क्रोधित हो गई और आंखें लाल कर कर बोली, निर्दय कुरुकर्म, तेरे मन में पाप है। मुझे शायद प्राप्त करने हेतु ही तू वन में भरत के कहने पर राम के साथ आया है कि ताकि तू उनका वध करा सके या उनके साथ कुछ अहित कर सके। मैं श्री राम के बिना तो एक क्षण भी जीवित नहीं रहूंगी। ये बातें सुन लक्ष्मण लक्ष्मण के रोंगटे खड़े हो गए और वे बोले, आपकी बातें मेरे कानों में तपाए हुए लोहे के समान लगी हुई हैं। आप तो मेरी आराध्या देवी समान हैं। साधारण स्त्रियों की तरह सोचकर निश्चय ही विपरीत बुद्धि का आप संकेत दे रही हैं। आप तो एक देवी के समान है और ऐसी समझ और आप इस तरह की बुद्धि और इस तरह की अपनी मंशा मेरे सामने जाहिर कर रही हैं, या आप एक साधारण स्त्रियों की भांति बात कर रही हैं? आप तो मेरे लिए देवी तुल्य हैं। स्त्रियों की तरह सोच, ऐसे लांछन, दोष, फूट आदि डालने का काम स्त्रियां एक साधारण स्त्री ही कर सकती है, या जो धर्मों से रहित चंचल कठोर स्त्री होती है वो ही इस तरह की बातें कर सकती हैं। माता, आप विश्वास करिए कि आप जो अपशकुन दिखाई दे रहे हैं, मुझे संशय है कि मैं और भाई लौट कर आएंगे तो शायद आपको सकुशल ना देख सकें। उन्होंने लक्ष्मण जी ने भरसक प्रयत्न किया कि मैं आपको आप इस तरह का कुछ वो मत सोचिए, राम जो है वो तो बहुत देवता समान है और ये शायद ये जिस तरह की अपशकुन हो रहे हैं इसमें मुझे भी ऐसा लग रहा है कि आपके लिए ही कुछ अहित होने वाला है। सीता बिलखती हुई बोली, मैं गोदावरी में कूद जाऊंगी, विष पी लूंगी या आग में प्रवेश कर जाऊंगी, पर मैं किसी और पुरुष को कदापि स्पर्श नहीं करूंगी। इतना विलाप देखकर लक्ष्मण ने सीता को प्रणाम किया और श्री राम को भारी मन से खोजने चल दिए। लक्ष्मण के चले जाने पर रावण सन्यासी का भेष धारण करके कमंडल लिए विधे कुमारी के पास ऐसे पहुंचा जैसे चंद्रमा से रहित रोहिणी पर मंगल शनि की दृष्टि पड़ती है। तभी वृक्ष हिलना बंद हो गए। गोदावरी नदी भी भय से धीरे धीरे बहने लगी, हवा रुक गई। रावण जो है वो भिक्षु का रूप धारण करके यशस्विनी राम पत्नी विधेई के पास पहुंचा। वे पर्णशाला में बैठी शोक से पीड़ित बैठी हुई थी। उनके सुंदर रूप को देखकर काम से पीड़ित हो रावण बोला, उनकी प्रशंसा करते हुए बोला, उत्तम स्वर्ण कांति वाली पद्मिनी, कहीं तुम लक्ष्मी या अप्सरा तो नहीं, या कामदेव की पत्नी सीता तो रति तो नहीं हो? तुम्हारा सुडोल बदन, पुष्ट पुष्ट चिकने अंग, बड़ी बड़ी आंखें, दांत मोतियों जैसे मांसल कटी भाग, केश चिकने केश, मनोहर सुडोल पिंडलियां, अंग प्रत्यंग, ये देवता किन्नर अप्सरा के भी नहीं होते। इस दुर्गम वन में तुम रहने योग्य नहीं हो, तुम रमणीय राजमहल में रहने योग्य हो। सुंदर अंगों वाली, ये तो राक्षसों जंगली पशुओं का स्थान है, क्या तुम यहाँ भयभीत नहीं हो? सीता ने ब्राह्मण वेशधारी रावण को देखा पर उन्हें अतिथि समझकर उनकी आवभगत की। उनको आसन दिया, रावण को आसन दिया, पैर धुलवाए और भोजन का भी आग्रह किया। उस सर्व गुण संपन्न विधेय कुमारी को हरण करने का रावण ने मनी मन निश्चय कर लिया और सीता उस हरे भरे विशाल वन में निगाह दौड़ाकर सिर्फ राम और लक्ष्मण को लगातार खोज रही थी। साथ साथ वो अतिथि जो रावण जो उनके घर में अतिथि बन के आया था उनकी भी पूरी आतिथ्य में लगी हुई थी। उधर जब उस सन्यासी रूप धारक रावण ने सीता से उनका परिचय मांगा तो सीता ने कहना आरंभ किया कि मैं मिथिला नरेश जनक पुत्री हूँ।
और 12 वर्षों तक मैंने इश्वांकु वंशी राजा दशरथ के यहाँ श्री राम की पत्नी के रूप में हर सुख सुविधा के साथ बिताए हैं। परंतु 13वें वर्ष में जब श्री राम को युवराज घोषित करने का समय आया तो रानी केकई अपने 2 वरों के रूप में श्री राम को वनवास और भरत को राजा बनाने की मांग कर दी। उस समय श्री राम 25 वर्ष व मैं 18 वर्ष की थी। वचनबद्ध राजा दशरथ काम पीड़ित और पत्नी मोह में श्री राम को वनवास का आदेश दे दिया। सत्यवादी सुशील आज्ञाकारी विशाल नेत्र व भुजाओं वाले श्री राम ने सिर्फ बहुत अच्छा कहकर और दृढ़ता पूर्वक वनवास की ओर चल दिए। लेकिन साथ में मैं और उनके आज्ञाकारी भाई लक्ष्मण भी सहायक के रूप में साथ पीछे पीछे हो लिए। इस प्रकार अब हम सब दंडकारण्य वन में रहते हैं। आप जो अतिथि के रूप में भिक्षु मेरे कुटी में आए हैं, आप यहाँ आकर आराम विश्राम कीजिए। मैं आप मेरे पति और मेरे देवर जो हैं प्रचुर मात्रा में फल लेकर आते ही होंगे, और तब तक मेरा जितना मैं हो सकता है मैं आपका आतिथ्य और आपकी सेवा भाव सेवा करती रहूंगी। इसके बीच में सीता जी ने पलट कर भी रावण से ही पूछ लिया कि अरे आप जो हैं आप भी अपना परिचय दीजिए ना। तब रावण बड़ी कठोर आवाज में बोला, सीता, मनुष्य, देवता, असुर, जिसके नाम से तीनों लोक थर्राते हैं, मैं वही राक्षसों का राजा रावण हूँ। मेरी नगरी लंका में मैं तुम्हें पटरानी बनाकर रखूंगा। 5,000 दास दासियां, गहने आदि से मैं लाद दूंगा। तुम मेरी भार्या बनने के लिए चलो। सीता बिफरती हुई कुपित हो बोली, अरे ढोंगी, तू एक भिक्षु का रूप धारण करके राक्षस अपने मेरे पति की गैर मौजूदगी में मुझे हरने आया है। मेरे पति पर्वत के समान अविचल, इंद्र तुल्य पराक्रमी, सागर समान विशाल हैं, सिंह समान बलशाली हैं, चंद्रमा समान मनोहर हैं, और तेरा ये साहस कि तू उनकी प्यारी पत्नी का अपहरण करना चाहता है? क्या तू भूखे शेर या सांप के दांत को तोड़ना चाहता है, या पत्थर बांधकर समुद्र पार करना चाहता है, मंदराचल पर्वत को हिलाना चाहता है, या सूर्य चंद्रमा को दोनों हाथों से छीनना चाहता है? तू उनकी पत्नी को हरण करने के बारे में सोच भी कैसे सकता है? अगर तू उनकी पत्नी को हरण करेगा तो तू जैसे जलती हुई आग को कपड़े में बांध कर ले जाना वाली चेष्टा करेगा। तेरे में और रघुकुल वंशी श्री राम में वही अंतर है जैसे सिंह और गीदड़ सागर में और एक छोटी सी नदी में, जैसे सोने चंदन और मिश्रित जल में और कीचड़ में। तू मुझे कहाँ से हर पाएगा? अगर तू मुझे हर भी तूने मेरा अपहरण भी कर लिया तब भी तू मुझे पचा नहीं पाएगा। सीता के ऐसे वचन सुनकर रावण रोष में बोला, मैं कुबेर का सौतेला भाई रावण, जिससे गंधर्व पिशाच देवता सब डरते हैं। मैंने अपने सौतेले भाई कुबेर से द्वंद युद्ध किया और मुझसे हार कर ही कुबेर अपनी समृद्धशाली लंका को छोड़कर कैलाश पर्वत में शरण लेने को विवश हुआ। उसका पुष्पक वाहन भी मैं आकाश में उसका पुष्पक वाहन लेकर ही मैं आकाश में विचरता हूँ। मेरे भय से सूर्य भी चंद्रमा समान शीतल हो जाते हैं। समुद्र के उस पार इंद्र की अमरावती के समान सोने की नगरी मेरी लंका है, जहाँ फर्श भी सोने के हैं, मन वांछित फल देने वाले वृक्ष हैं। तुम वहां रहकर उस वैभव में बुद्धिहीन तपस्वी को याद भी नहीं करोगी, ऐसा मैं तुम्हारे को विश्वास दिलाता हूँ। यह राक्षस राज कामदेव के वाणों से पीड़ित हो गया, इसलिए स्वयं तुम्हें हरने आया है। नहीं तो ये तो काम मेरी एक छोटी सी सेना भी कर सकती थी। तुम भी जैसे पुरुरवा को लात मारकर उर्वशी पछताई थी, ऐसे ही बाद में तुम पछताओगी। वैर मनुष्य तो मेरी एक उंगली के समान भी नहीं है। क्रोध में लाल नेत्रों से सीता बोली, कुबेर तो सब देवताओं के वंदनीय हैं, तू उन्हें भाई कैसे कहता है? तेरी दुर्बुद्धि क्रूर स्वभाव से राक्षस वंश नष्ट हो जाएगा, ये बात समझ ले। और ये भी समझ ले कि इंद्र की पत्नी शची का तिरस्कार और अपहरण तो संभव है, पर राम पत्नी का हरण करने पर तू चाहे अमृत पी ले पर बच नहीं पाएगा। प्रतापी दशमुख रावण ने अपना शरीर बढ़ा लिया और बोला, मैं समुद्र पी सकता हूँ और बाणों से सूर्य व्यथित कर दूं, पृथ्वी को भी उठा सकता हूँ और उससे सौम्य रूप त्याग कर तीखा काला विकराल रूप धारण कर लिया।
उसके 10 मुख और 20 भुजाओं में से वे अपने स्वाभाविक रूप में आ गया और सीता से बोला, मैं तुम्हारा स्नेही पति बन जाऊंगा, हर वैभव दूंगा। उस मनुष्य राम का अनुराग त्याग दो जो एक स्त्री के कहने मात्र से सुख वैभव को छोड़कर जंगलों में आ गया। वह किस सुबुद्धि के उसका किस उसके अंदर तो बुद्धि नाम मात्र को भी नहीं है। और दुष्ट आत्मा ने सीता को ऐसे पकड़ लिया जैसे बुद्ध ने आकाश में माता रोहिणी को पकड़ लिया था। उस पर्वत शिखर विशालकाय राक्षस ने आदरणीय सीता को अपने गधों से जुते रथ पर बिठा दिया। यशस्विनी सीता दुख से व्याकुल हो हे राम कहकर चोट खाई नागिन की तरह छटपटा रही थी। आकाश मार्ग की तरफ रथ को जाता देखकर सीता दुख से आतुर हो बोली, हे लक्ष्मण, हे राम, ये राक्षस अधर्म पूर्वक मुझे हर लिए जा रहा है, क्या आप उस उदंड पुरुष को दंड नहीं देंगे? फिर वह बोली, हे गोदावरी नदी, हे पशु पक्षी, फिर वह बोली, रावण तेरे सिर पर काल नाच रहा है जिसने तेरी विचार शक्ति को नष्ट कर दिया है, नष्ट करके ऐसा पाप करवाया है, अब तो तेरा अंत निश्चित है। और अंत फिर वह उन कनेर के वृक्षों से, गोदावरी नदी से, पशु पक्षियों वृक्षों से, निवास करने वाले देवताओं से प्रार्थना करने लगी कि मेरे स्वामी श्री रामचंद्र को संदेश पहुंचाए कि उनकी प्राण प्रिय पत्नी का अपहरण हो गया है। और उन्होंने इस तरह से वे रोती विलकती जा रही थी कि उनकी निगाह वृक्ष पर बैठे हुए गिद्धराज जटायु की ओर पड़ी। उन्होंने उस वृक्ष पर बैठे गिद्धराज जटायु को देखकर दुख भरी वाणी में क्रंदन कर बोली, आर्य जटायु, क्या आप इस निशाचर को नहीं रोक सकते? कृपया मेरे अपहरण का समाचार तो मेरे पति और लक्ष्मण तक पहुंचा दें। जटायु जो उस समय सो रहे थे, सीता की करुण पुकार सुनकर उनका शरीर पर्वत के समान जो उनका शरीर था, वे रावण के पास पहले तो जाकर अपनी ही जैसे जिसके जैसे संस्कार होते हैं वो पहले वैसे ही बात करता है, तो उन्होंने बड़े वंदनीय शब्दों में रावण से कहा कि सत्य प्रिय महाबलवान गिद्धराज, मैं जटायु हूँ, आप ऐसे निंदनीय कार्य क्यों कर रहे हैं? दशरथ नंदन श्री राम की पत्नी का कोई पुरुष कैसे स्पर्श कर सकता है? तुम्हें तो नीच गति की निंदा मिलेगी, राजधर्म का तो संरक्षण होता है, फिर तुम कैसे देवताओं की भांति ऐश्वर्य प्राप्त कर पाओगे? मतलब पहले उसने बड़े वंदनीय शब्दों में अपने संस्कारों के साथ रावण को समझाने की कोशिश करी कि तुम इस तरह का निंदनीय कार्य ना करो। फिर उसने दोबारा समझाना चाहा कि जब श्री राम तुम्हारे राज्य व नगर में कोई अपराध नहीं कर रहे तो तुम्हें उनसे क्या बैर है? शूर्पनखा ने तो अपनी ही अपराध को दबाने के लिए खर आदि का वध उन श्री राम से करवाया, इसमें श्री राम या उनकी पत्नी का क्या दोष? तुम विधेय कुमारी सीता को छोड़ दो, इस पर श्री रावण ने हंसते हुए कहा कि गिद्ध, तू एक पक्षी होकर रावण से उलझने की कोशिश कर रहा है। जटायु ने कहा कि श्री राम कहीं तुम्हें अग्नि के समान अपनी दृष्टि से जलाकर भस्म ना कर दे, जिस कार्य से धर्म ना हो, कीर्ति ना बढ़े, बल्कि उल्टा यश और कुल जाति को खेद हो, उसे करने से क्या फायदा? रावण, मुझे पक्षियों का राज्य विधिवत पालन करते हुए 60,000 वर्ष बीत गए, मैं बूढ़ा हूँ, तुम्हारे पास रथ है, कवच है, बाण आदि सब कुछ है, फिर भी तुम सीता को मैं तुम्हें ले जाने नहीं दूंगा। तुम अगर शूरवीर हो तो पहले मुझसे युद्ध करो, क्योंकि मैं उन दोनों राजकुमारों को अगर जटायु ने इस तरह से इसलिए कहा कि अगर मैं श्री राम को लक्ष्मण को खबर देने के लिए जाऊंगा तो ये धूर्त जो रावण है वो पीछे से सीता को लेके भाग जाएगा, इसलिए उन्होंने, जबकि वो जानते थे कि वो वृद्ध हैं, उनके पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, फिर भी रावण को ललकारा कि मेरे जीते जी तो तुम श्री राम की पटरानी को नहीं ले जा सकते, चाहे मुझे अपने प्राण ही क्यों ना देना पड़े। और फिर वह अपनी पूरी शक्ति अनुसार उनके साथ युद्ध करने के लिए खड़े हो गए। थैंक यू अंजू, बहुत सुंदर, तुमने बहुत ही सुंदर तरीके से पूरा चित्र खींच दिया, पूरा चित्र खींच दिया हमारे लिए। और बेसिकली तुम स्टोरी को वहां तक ले आई हो, अपने हमारे इतिहास को, जहाँ पे जटायु आ गए हैं
प्रवेश करने। तो अब मैं सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को टच करूंगी क्योंकि एज इट इज सेशन 5 बज गए हैं, उन्हीं पॉइंट्स को टच करूंगी जो थोड़े से जरूरी लग रहे हैं, जिससे आप लोगों को एक ओवरव्यू मिल जाए। सबसे पहले तो ये जो हम लोगों को टीवी सीरियल्स ने बता दिया ना कि लक्ष्मण रेखा एक खींचते हैं, लक्ष्मण कुटिया के अराउंड, वो है नहीं। तुम्हें भी पता लग गया होगा कि लक्ष्मण रेखा का विवरण वाल्मीकि रामायण में नहीं है, लक्ष्मण रेखा का विवरण रामचरितमानस में भी नहीं है, कंभ रामायण में भी नहीं है, यहाँ तक कि आध्यात्म रामायण, आई हैव नॉट रेड कंभ रामायण और आध्यात्म रामायण, बट रामचरितमानस तो मेरी पढ़ी हुई है स्वयं की, इनमें भी नहीं है। तो जब मैं थोड़ा स्टडी कर रही थी तो लक्ष्मण रेखा बाद की इंटरपोलेशन है, बाद में जब समाज जिस रूप में लेता चला गया, जब भक्ति का मूवमेंट, जब बहुत सारे आक्रांताओं ने यहाँ पे अटैक करना शुरू करा और जब महिलाओं की सुरक्षा के प्रति बहुत सारी चीजें होने लगी, तब लक्ष्मण रेखा डाली गई। एंड समहाउ अवर बॉलीवुड एंड अवर मीडिया हैज लैच्ड ऑन टू दैट पार्ट और उन्होंने उसको बहुत उठा दिया। तो लक्ष्मण रेखा यहाँ पे है नहीं, ठीक है ना। और हम लोगों का बहुत स्टंट एक्सप्रेशन हो जाता है जब हम सुनते हैं कि एक सीता स्वयं मनुष्य के रूप में आई है, परंतु है तो भगवान, और जब वो अपने देवर के बारे में ऐसे अंट शंट अनाप शनाप शब्द बोलती हैं, वाल्मीकि रामायण में तो उन्होंने पूरा विवरण करा है, रामचरितमानस में इसका कोई उल्लेख नहीं है। कॉन्टेक्स्ट बदल गया था, जैसे कि सेम ये 20 चैप्टर्स में से आशिमा कुछ पॉइंट्स उठा के कुछ बोलती, अगर मुझे कहना हो तो मैं कुछ और बोलती, वन्ना दी को कहना हो तो वो कुछ और तुम्हें कहना है तो कुछ और। तो हम लोग अपने अपने निगाहों से, अपने अपने अनुभवों से चीज को ग्रहण करते हैं और वही पेश करते हैं। तो उसी तरीके से जो ये सीता का विवरण है ना कि उन्होंने अपने देवर को, और ये देखने की बात है कि 12 साल वो रही अयोध्या में अपने विवाह के बाद, जो ये वनवास उनको मिला है 13th ईयर में मिला है, 18 साल की शादी होके आई, 12 साल रही तो शी वॉज 30, 30 साल की उम्र में वनवास गई और 14 साल वो लक्ष्मण के साथ उन्होंने बिताए हैं वन में, 14वें साल में ये सब कुछ हुआ ना वर्ष में, तो इतने 12 और 14 26 ईयर से वो लक्ष्मण को जानती थी, तो क्या उन्होंने तब अनुभव नहीं करा जो उन्हें लक्ष्मण के बारे में ये सब कुछ लगा। तो लक्ष्मण का दुखी होना, आहत होना स्वाभाविक है। यहाँ पे वाल्मीकि जी ने कहा है एक स्त्री सुलभ, जो एक स्त्रियों में एक वो होती है ना, तो मनुष्य के रूप में उतर के सीता मैया ने जो जो चीजें उनके माइंड में आई और किस तरीके से एक थॉट को लेके कैसे वो बवंडर बनाती चली गई अपने ही मन में, एक चीज को लेके फिर दूसरी फिर तीसरी, फिर लक्ष्मण पे लांछन, फिर भरत पे भी लांछन, फिर कि तुम मुझे प्राप्त करना चाहते हो, जो बेटे समान उनका देवर है, जो इसको उन्होंने बेटा ही समझा हमेशा, जिसने उसे मां समझा 26 वर्षों तक, परंतु उनके मन में जो बवंडर 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 बनते चले गए। वाल्मीकि जी एक ह्यूमन माइंड को दर्शाते हैं, कैसे जब हम लोग ग्रसित हो जाते हैं किसी चीज से, हम लोग कैसे अपना अपना बुद्धि का विवेक छोड़ देते हैं और हमें जो चीज बिल्कुल मतलब बिल्कुल ऑपोजिट दिखने लगता है, जो सिचुएशन है उससे कुछ और। तो उस समय हमें क्या चाहिए, उस समय हमें विवेक बुद्धि चाहिए, उस समय हमें अपने आप को शांत रख के सिचुएशन को एनालाइज करने की ताकत चाहिए कि ये जो जिस तरीके से हो रहा है या मुझे दिख रहा है ये वो नहीं है। यहाँ पे एक बात और गौर करने की है कि जब वो मृग दिखता है, ये माया मृग के ऊपर बहुत सारे विवरण है बहुत सारे शास्त्रों में, ये माया मृग ये दर्शाता है कि ये जो सृष्टि हमें दिखती है ना, जो हमें अट्रैक्ट करती है, जो हमें लुभाती है, और जब हम इसके पास जाते हैं वहां पे कुछ है नहीं, परंतु और लक्ष्मण भी जानते हैं, श्री राम भी जानते हैं, दोनों में संवाद भी होता है कि ये वही मारिच है, ये वही है जो माया कर रहा है, और फिर भी राम उसके पीछे जाते हैं अपनी पत्नी को खुश करने के लिए। तो यहाँ दो बातें आती हैं, बातें ये कि एक हमारा समाज वो था और है जो स्त्री को प्रधानता देता था और स्त्री की खुशी में ही, स्त्री जब प्रसन्न रहती थी तो घर प्रसन्न रहता था। सब हमारे यहाँ वी आर द ओनली कल्चर इन द वर्ल्ड विच प्रेज जो पूजा करता है फेमिनिन डिविनिटी की, और जहां हर फीमेल देवी भगवती के भी हाथों में आयुध है, चक्र भी है और गदा भी है, अलग अलग तरीके के आयुध हैं।
तो हम एक अकेली सिविलाइजेशन बची है जो फीमेल डिविनिटी को प्रे करती है। और तब से हमारे शास्त्रों में ऋषि मुनि सब जानते थे कि जिस घर में महिलाएं प्रसन्न है, स्त्रियां प्रसन्न है, वही घर तरक्की करेगा, वही कुल, वही समाज तरक्की करेगा। तो यहाँ पे कई कई जगह रामायण, आशा 5 मिनट्स के बाद मैं एक बार ये अपना थॉट फ्लो खत्म कर लूँ, उसके बाद तो अलग अलग जगह अलग अलग चीजें, आई एम जस्ट ट्राइंग टू पुट इट टुगेदर जो चीजें रह गई है। तो जहां पे सूर्पणखा का संवाद लाते हैं रावण के साथ, वहां पे गवर्नेंस के बहुत सारे तरीके बताए हैं। अब के अगर जो नेता है वो इसको पढ़ लेंगे, सीख लेंगे, समझ लेंगे, तो गवर्नेंस की ब्यूटीफुल टिप्स हैं कि क्या क्या एक राजा को करना चाहिए और क्या क्या राजा को नहीं करना चाहिए। जिस राजा की प्रजा उससे संतुष्ट नहीं है, जो राजा गुप्तचर नहीं रखता और अपने राष्ट्र की बाउंड्रीज को एक्टिवली संभालता नहीं, जिस राजा को पता ही नहीं है कि कहाँ उसके जनस्थान में क्या क्या हो गया और कितने लोग मर गए, जिस राजा के मंत्री ऐसे हैं सिर्फ चापलूसी करते हैं और राजा को बताते ही नहीं कि कहाँ कहाँ क्या आपके हित में है और क्या नहीं, वो राजा और वो राष्ट्र का भ्रष्ट होना निश्चित है। घर का मुखिया या राष्ट्र का राजा या एक समाज का प्रतिनिधि जो करता है, अगर वो ढंग का नहीं है तो वो समाज, वो राष्ट्र, वो घर नहीं चल सकता। तो सूर्पणखा के माध्यम से बहुत सुंदर एक संवाद है जो वो रावण से करती है और जहाँ सारे गवर्नेंस के टिप्स बताए हैं। सेकेंडली गवर्नेंस गवर्नेंस के टिप्स बताए हैं मारीच, जब ये राक्षस है, मारीच राक्षस का ये बताया, वो राक्षस था और राम ने मारा, फिर वो तपस्वी बन गया। तपस्वी के दौरान उसे दो बातें समझ में आई, या तो वो रावण से मरे या राम से मरे। उसने यही डिसाइड करा कि राम से मरना इज मच बेटर। और मारीच राम को कई जगह बोलता है, रावण को कई जगह बताता है, एंड ब्यूटीफुल एडवाइस कि जो उस राजा को अपना कोष, दंड और नीति का ध्यान नहीं है वो बच नहीं सकता। अगर आपको पता ही नहीं है कि आपकी ट्रेजरी में क्या है क्या नहीं, दंड अगर आप नहीं दे पाते टाइम से और नीति का ध्यान नहीं, अगर आप क्रूर हैं तो आप कभी भी नहीं बच पाएंगे। तो इस तरीके से, सॉरी फॉर द लैग, तो इस तरीके से अलग अलग विवरण में बहुत ही सुंदर सुंदर सीख बताई हुई है। अब जब हमें रावण और मंडोदरी बताते हैं ना, तो बहुत छोटा सा फैक्ट मुझे पता लगा है कि रावण मेरठ के थे और मंडोदरी गाजियाबाद की। जस्ट इमेजिन, रावण मेरठ के ही हैं और मंडोदरी गाजियाबाद की, और दोनों विवाह करके लंका पहुंच जाते। तो आजकल बहुत सारे साइंटिस्ट डेट करने की कोशिश कर रहे हैं, रामायण को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि लंका कहाँ है। जो हम समझते हैं श्रीलंका है वो एक्चुअल में नहीं है, वो कुछ और डायरेक्शन में कोऑर्डिनेट्स पॉइंट करते हैं। एक और बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आया कि जैसे हमें बताते हैं कि ये जो ग्रीनविच मेरिडियन है ना, ये जो पास करती है, इंग्लैंड में एक टाउन है ग्रीनविच, तो हमारे यहाँ 0 डिग्री लैटिट्यूड हमारे आ, आ, हमारी ही देन है, ये भी वो हमसे चुरा के ले गए हैं। और वो उज्जैन से होती हुई जाती थी, तो उज्जैन और लंका एक सीधी लैटिट्यूड में था। और हमारे जितने भी ये शिव के, ये क्या बोलते हैं शिव के, जहां पे मैं अंधेरे, मेरा नाम उतर रहा है अभी, जो शिव जी की जहाँ पे ज्योतिर्लिंग, ज्योतिर्लिंग, ज्योतिर्लिंग। हाँ, तो जितने भी ज्योतिर्लिंग है वो पर्टिकुलर एक ही लैटिट्यूड में फॉल करते हैं और वो उज्जैन से होती हुई जाती है। तो इन लोगों ने ग्रीनविच कर लिया। हम सेंटर ऑफ द वर्ल्ड थे, हमारे शास्त्रों में उसका पूरा विवरण है कैसे वो लैटिट्यूड है। और लंका 0 डिग्री पर, तो लंका बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस होल्ड करती थी। और जैसे रावण का इन्होंने वर्णन किया था, तो रावण वैश्रव ऋषि और उनका पुत्र है, सौतेले बाई है। लेट मी कम टू द ट्रैवल, मैं बताती हूँ उसके बाद, 1 सेकेंड। रावण ने ना बड़े, जब वो मारीच को करने जाता है कि तुम्हें हरण करना ही होगा, तो बड़े ही सुंदर ढंग से रावण बताता है, जो वो कुछ स्वयं है, हम जो होते हैं ना, हमें दूसरे में भी वही नजर आती है। रावण कहता है, अंजू ने बोला था, पर अंजू ने सारे राम की अच्छी क्वालिटीज बताई थी, पर रावण जो बताता है यहाँ पे, मैं वो बता रही हूँ। रावण कहता है मारीच को, उसको कन्विंस करना चाह रहा है कि तुम्हें उठाना है उसको, क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानता था कि राम ने जिस तरीके से ये 14,000 और ये 14 सैनिकों, राक्षसों को मारा है,
रावण में इतना बल था ही नहीं कि वो राम को युद्ध में लड़ सके, उसके पास सिर्फ छल ही आश्रय था, छल करके जब वो सीता का हरण कर लेता, जब राम दुर्बल हो जाते तब वो मार सकता था। तो वो कहता है कि जो शील रहित है, जो क्रूर है, जो तीखे स्वभाव वाला है, जो मूर्ख है, जो लोभी है, जो अजितेंद्रिय है, धर्म त्यागी है, अधर्मात्मा है, समस्त प्राणियों का अहित करने वाला है, बिना किसी वैर विरोध के हर हर ऋषि तपस्वी को मारने वाला है, और हर स्त्री का सतीत्व जो भंग करता है। रावण वॉज नोन टू बी अ सीरियल रेपिस्ट। रावण हर वुमन को उठा के ले जाता था, हर पराई स्त्री पे उसकी निगाह रहती थी। तो रावण कहता है ये जो सब कुछ मैंने बताया ना, ये सब राम है, और राम इतना क्रूर है, तुम्हें राम को उठाना पड़ेगा। तब मारीच जो समझाता है वो अंजू बता ही चुकी है। उसके अलावा मारीच ने एक लाइन और बहुत अच्छी बोली थी कि ये जो खेल कूद में लगे रहते हैं ना, ये जो जो तुम्हारी राक्षस है कि तुम सारा समय करते हो, नष्ट करते हो, खेल कूद में लगे रहते हो, सीरियसली कुछ लेते नहीं, तुम्हें तुम्हें नहीं पता ये तो नहीं है। ये की बात है, क्या हम लोग भी ऐसे ही सहते हैं? क्या हम लोग भी अच्छी चीजों में नहीं लगे रहते? क्या हम लोग भी ये नहीं सोचते कि बहुत जल्दी हम भी निकल जाएंगे यहाँ से, और जो भी समय मिला है उसे अच्छे के लिए उपयोग कर ले, उसको यूज कर ले। उसके बाद जो दो तीन पॉइंट्स और रह गए हैं, अंजू ने इस पर टच करा ही था, मारीच कहता है कि उतना ज्यादा वो श्री राम से भयभीत हो चुका था, उसको सोते जगते उठते बैठते दिन रात हर जगह राम दिखते थे, हर जगह उसको पेड़ों में पौधों में सब जगह राम दिखते थे, इसीलिए उसकी गति अंत में राममय हुई, राम ने स्वयं उसको अपने ही बाण से मारा। तो जो भी राक्षस तत्व है, तो उस तरीके के हैं जिनके मन में चित्त में अपने बीइंग में राम समा जाते हैं, वो राम में विलीन होते हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं कि राक्षसों को भी गति मिल सकती है, जो मिलती दिख रही है हमें, परंतु मन चित्त वाणी बुद्धि से एक ही चीज अगर राम का स्मरण रहे तो मिलती है। इसके बाद जो ये मायामृग का जो विवरण है, तो पहला थॉट गया उन्होंने सीता ने देखा, सिर्फ देखा, फिर सारे कॉन्स्टेंट थॉट्स वही जाने लगे, फिर वो इतना उनके दिमाग में भर गया और कहती है कि मुझे ये ही चाहिए। तो ऐसा नहीं होता कि जब हम बाजार जाते हैं और हमें कोई साड़ी अच्छी लग जाती है तो वो सेल्समैन क्या करता है, जब हमें एक साड़ी दिखाता है और हम कहते हैं ये नहीं, पर वो हमारी निगाहों से समझ जाता है तो वो साड़ी वहां खुली ही रखता है, वो उसे बंद नहीं करता, वो सेकंड साड़ी भी खुल के दिखाता है, थर्ड भी दिखाता है, फोर्थ भी दिखाता है, वो जानता है कि हमारी निगाह है उसी साड़ी के ऊपर है। तो ये परफेक्ट टैक्टिक्स ऑफ सेल्समैनशिप है, जो सेल्समैन होते हैं वो जानते हैं, हमारी निगाहों से जज कर लेते हैं इनको कौन सी चीज समझ में आ गई, फिर वो चीज हमारे सामने से नहीं उठाएंगे। जितना हम उसको देखते रहते हैं, जितना हम देखते रहते हैं, जितनी हम एनर्जी उस पर डालते हैं, तो उतना हमें उसको पजेस करना होता है, उतनी शक्ति हम उसमें लगाना चाहते हैं, उतना पैसा देने को तैयार होते हैं। तो ये एडवर्टाइजिंग टेक्निक्स है जो अब के मार्केटिंग करने वालों ने तब से हमारे ऋषियों मुनियों से सीखी हुई है कि ये देखो ये इसी तरीके से होता है। तो इसके बाद आता है, इन्होंने रीजंस बताए हैं कि राजा, हम लोग सोचते हैं कई बार, जैसे मैं महाभारत पढ़ रही हूँ, मैं सोचती हूँ कि लोग इतना शिकार क्यों करते थे, वैसे तो वेजिटेरियन कहते थे, वैसे कहते थे हिंसा नहीं करते, अहिंसा करनी चाहिए, और हर राजा को देखो शिकार कर रहा है। पांडु का तो बहुत वर्णन आता है कि पांडु तो हमेशा शिकार में ही रहते थे, उन्होंने अपना राष्ट्र इसलिए छोड़ा, उन्होंने राजसूय यज्ञ कर लिया, उन्हें सब कुछ हासिल हो गया, फिर वो वन में ही रहने चले गए क्योंकि उन्हें शिकार इतना प्रिय था। तो यहाँ पे मुझे आंसर्स मिले हैं कि शिकार क्यों राजाओं को करना चाहिए, यह राजाओं के प्रिय है। तो सबसे पहला इसका आंसर है कि मांस जो मृग चर्म होता है वो राजाओं को प्रिय होता है। सेकंड शौक, शौक मतलब हॉबी, ये राजाओं का शौक है भाई, हमारे रीगल हमारे रॉयल शौक है। थर्ड है धन का संग्रह, कोई भी जो अच्छा राजा होता है, कोई भी स्टेट की गवर्नमेंट होती है, कोई भी नेशनल गवर्नमेंट, उसका मेन मेन फंक्शन होता है कि अपने नेशन की वेल्थ, अपने नेशन की ट्रेजरी को एकदम इस तरीके से रखना कि हम लोग बार बार ये वर्ल्ड मॉनेटरी फंड के पास भीख मांगने ना जाएं, या अमेरिका के पास भीख मांगने ना जाएं, IMF के पास, इंटरनेशनली मॉनेटरी फंड के पास भीख मांगने ना पहुंच जाए। तो हर राजा का कर्तव्य था कि अपने देश की कोष को, ट्रेजरी को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रखना। तो वनों में इन्होंने बताया है कि वनों में उनको मिलती है
मणि, रत्न, सुवर्ण, धातु, अलग अलग तरीके के जो प्रोडक्ट्स होते हैं जो वनों में मिलते थे, उससे कोष ट्रेजरी स्ट्रॉन्ग रहता था। और एक बहुत सुंदर पारुल, दिस विल इंटरेस्ट यू, अर्थ की परिभाषा मुझे इसमें से मिली। काम और क्रोध की तब मिली थी, है ना, एक अर्थ की परिभाषा ये मिली कि जिसमें जिस चीज पे हम अट्रैक्ट हो जाते हैं, और अट्रैक्ट हो के बिना सोचे समझे। अब सीता मैया अट्रैक्ट हो गई वो मृग के पीछे, गोल्डन लुकिंग ब्यूटीफुल चितका भरा मृग अट्रैक्ट हो गई, और बिना कुछ सोचे समझे, बस मुझे तो वो चाहिए ही, और मैं जानती हूं कि ये मेरे शील स्वभाव के विपरीत है, मुझे इतना हट नहीं करना चाहिए। स्त्री धर्म तो जानती ही थी, पर फिर भी अट्रैक्ट हो गई। तो जब हम बिना कुछ सोचे समझे कि इसका क्या रेपरकशंस हो सकते हैं, ये मेरे लिए अच्छा है या नहीं, मेरे परिवार के लिए अच्छा, लॉन्ग टर्म में मेरे लिए अच्छा है कि नहीं, बिना कुछ सोचे समझे मुझे तो ये चीज चाहिए ही चाहिए, तो वो भी अर्थ का ही एक रूप है। अब अच्छा, इसके नेक्स्ट आते हैं, मैं क्विकली कर रही हूँ बहुत सारे, तभी मैं अंजू को कह रही थी हाफ एन आवर से ज्यादा सेशंस नहीं हो, तो मैं आउटसाइड की नॉलेज को कवर कर सकती हूँ, जो पूरा एक नॉलेज तो पक्का कर देती है ना। अच्छा, इसके बाद है ओके। अच्छा, जब अब हम आते हैं रावण के ऊपर, रावण ने बड़ी एक स्ट्रैटेजी निकाली। रावण आ गया यहाँ पे सीता को हरने के लिए, और अगर आप पढ़ेंगे ना, बिकॉज अंजू ने तो हिंदी में अनुवाद किए हुए में से पिक कर लिए थे, अगर आप पढ़ोगे ना रावण ने क्या क्या बोला है सीता मैया के लिए, तो हमारी भी आंखें शर्म से एक बार नीचे हो जाती हैं, क्योंकि अब की मोरालिटी फर्क हो गई है, तब की मोरालिटी अलग थी। और जब हम ट्रांसलेट कर देते हैं ना, संस्कृत इतनी लिरिकल भाषा है, इतनी पोएट्री है, और इतने शुद्ध और इतने साफ शब्द हैं, कि जैसे ही हम उसका हिंदी में भी अनुवाद करते हैं ना, तो वो गलत लगने लग जाता है। जैसे सपोज बास्टर्ड को हिंदी में अनुवाद करना होगा, तो वो वर्ड आप सुनना नहीं चाहोगे, बास्टर्ड एक बार फिर भी बोल लेते हो। सपोज कि सेक्स के लिए जो हिंदी में वर्ड है वो अगर हम बोले तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। तो समथिंग लाइक दिस एग्जाम्पल जो वाल्मीकि जी ने सीता मैया के लिए डिस्क्रिप्शन दिया है, उनकी बॉडी का, उनके फिगर का, उनके अलग अलग अंगों का, रावण ने क्या स्ट्रैटेजी उठाई? रावण ने सोचा कि महिलाओं को प्रशंसा तो मिलती नहीं, अभी आज की सब महिलाओं के लिए, महिलाओं को अपने घरों में प्रशंसा तो मिलती नहीं, महिलाएं बहुत भूखी होती हैं प्रशंसा की, हर तरह की प्रशंसा के लिए, कोई भी जरा सी प्रशंसा का चारा डाले और वो महिला उसकी फ्रेंड, फ्रेंडशिप से शुरू होती है सारी बातें, फ्रेंडशिप हो जाती है, महिला उसकी बनने लग जाती है, धीरे 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 वो आपके मन पे हावी होने लग जाता है, और धीरे धीरे पता नहीं महिला और वो कहाँ किस उसमें निकल गए। रावण डिड एग्जैक्टली दैट, रावण ने चारा डाला, अलग अलग तरह से प्रलोभन दिया, जब वो नहीं माने डर दिखाया, जब वो नहीं माने तो अपना राज्य का वैभव दिखाया, हर तरीके से सीता को घेरने की कोशिश करी। सीता ने वो नहीं सुना, नहीं माना, परंतु सीता ने एक गलती करी। क्या गलती करी? सीता की गलती ये थी कि रावण आया था वेश में कौन से, एक सन्यासी के, एक साधु के, और एक साधु सन्यासी जब इस तरीके की भाषा का उपयोग करे तो महिला के एंटीना खड़े हो जाने चाहिए थे, सीता मैया के एंटीना उसी समय खड़े हो जाने चाहिए थे कि ये क्या भाषा का उपयोग हो रहा है, ये कौन है जो मुझसे ऐसी बात कर रहा है। परंतु सीता मैया उस समय अवेयर नहीं हुई। और यहीं पे एक बात आती है, जब सीता मैया लक्ष्मण पे लांछन लगा रही थी, जब सीता मैया ने रावण की इस चिकनी चुपड़ी बातों को सुनते हुए भी अनजान बन गई, जो हम पाते हैं ना एंड में, हम देखेंगे कि अग्नि परीक्षा जो होती है ना, वो प्रायश्चित था, वो सीता मैया का प्रायश्चित था, क्योंकि वो जानती थी उन्होंने यहाँ पे और यहाँ पे उनके कर्म धर्म के अनुरूप नहीं थे, परंतु ये जो जर्नी होनी है, जो रावण का वध होना है, उस सीक्वेंस में ये सब जरूरी थे, सीता मैया का यहाँ से हरण होना, सीता मैया का वहां पहुंचना, और अगर सीता लक्ष्मण यहाँ रहते तो लक्ष्मण को का सीता मैया का अपहरण नहीं हो पाता, परंतु एट द सेम टाइम सीता मैया को प्रायश्चित करना था। पर बाद के लोगों ने इसको फेमिनिस्ट का मूवमेंट देके ना जाने क्या क्या अनर्गल बातें हमारे ही शास्त्रों में लगाइए। खैर, वो तब आएगा जब हम वहां पे पहुंचेंगे, जब ये अग्नि परीक्षा की बात आती है। आई एम जस्ट लेटिंग यू नो। अच्छा, उसके बाद द लास्ट पेज। हाँ, उसके बाद रावण का, रावण ने हर तरह से ट्राई कर लिया, साम दाम दंड भेद सीता मैया को उठाने के लिए, करने के लिए, वो नहीं मानी। अब आता है जो आजकल जो मूवमेंट चल रहा है, व्हेन आई से नो आई मीन नो, परंतु रावण ने वो बात नहीं मानी। रावण ने वो बात, क्योंकि वो ही वाज फुल ऑफ हिमसेल्फ,
एरोगेंस, हिज एटीट्यूड, और बचपन से ही जब एक माँ या जब एक घर की परवरिश किसी बच्चे को नहीं सिखाती कि नो मीन्स नो, बचपन से ही जब हम अपने बच्चे की हर जिद को पूरा करते चले जाते हैं, जब उस बच्चे को लगता है वो ही सर्वे सर्वा है इस विश्व का, जो उसने कह दिया जैसा सोच लिया वही होगा, तो ये पॉइंट पे आते हैं कि जब कोई नो कह रहा है, चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल, इसको फेमिनिस्ट मूवमेंट से नहीं जोड़ना चाहिए, इट कैन बी आइदर वे. सुरपणखा ऑल्सो डिड नॉट नो द पावर ऑफ सेइंग नो. सुरपणखा को भी राम ने मना करा, पर वो इतनी वो उसमें थी, वो उस लक्ष्मण के पास पहुंची, लक्ष्मण ने मना करा, फिर राम के पास पहुंची, ऐसे कर करके ये जो द पावर ऑफ सेइंग नो है, ये जो राक्षसी प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं वो पावर ऑफ सेइंग नो का बच्चे को नहीं समझाते. अपने भरते हुए बच्चों को जब हम नहीं सिखाते तो इस तरीके की हरकतें होती हैं जहां से ये सारा डाउनफॉल होने लग जाता है. तो अब हम जटायु पे पहुंचे, जटायु के विवरण, हाँ एक बहुत अगर आप लोग सुनना चाहें 2 मिनट का, ये जो गरुड़ है, जो गरुड़ का विवरण आया था बीच में, जो एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है, यही पेड़ महाभारत में भी है. 14,000 साल पहले रामायण हुई, 5,000 साल पहले सुनना चाहते हैं तो मैं सुनाऊ, 2 मिनट का है गरुड़ और उसका, अगर आप लोग सुनना चाहते हैं. अच्छा, तो गरुड़ की माता का नाम है बिंदा, और बाकी जो जितने भी नाग हैं तक्षक वसुके, इनकी माता का नाम है कदरू. कदरू और विंता दो बहनें थी, रियल सिस्टर्स. कदरू और विंता दो बहनें थी, कश्यप ऋषि को दोनों ब्याई थी. कश्यप ऋषि, उनकी 4 पत्नियां थी, उन्होंने अलग अलग पत्नी को अलग अलग वरदान दिए थे. खैर, इन दोनों से ये हुए. तो कदरू और विंता में एक बार शर्त लगी, और उस शर्त के हिसाब से जिससे मैं बहुत शॉर्ट में बोल रही हूँ, कदरू और विंता में शर्त लगी, उस शर्त के हिसाब से जो वो शर्त हार जाता उसको दूसरे की दासी बनना था. तो कदरू ने झूठ बोल के, और वो शर्त जीत गई, जो भी वो पर्टिकुलर शर्त थी, और उससे बन गई विंता दासी. दासी जब वो थी अपनी बहन की, तभी पैदा हुए गरुड़. अब गरुड़ ने बड़े होते हुए बोला कि मम्मा हम क्यों ये मौसी के दासी हैं, जो वो कहती हैं आप करते हो, जो मुझे भी करना पड़ता है. तो माँ ने उनको समझाया, माँ ने कहा एक ही सिर्फ तरीका है कि तुम अमृत का कलश लेके आओ जो देवराज इंद्र के पास है. तो गरुड़ छोटे से ही थे, अमृत का कलश लेने के लिए उड़ के गए, देवराज इंद्र के पास जाना चाहते थे. तो उन्होंने अपने पिताजी से, कश्यप ऋषि से पूछा कि मैं चला तो जाऊंगा पर मैं खाऊंगा क्या. तो उन्होंने कहा खाने को के लिए तुम्हें अलग अलग चीजें मिलेंगी, पर तुम्हें बहुत सोच समझ के खाना पड़ेगा. तो पर गरुड़ इतने पावरफुल थे, तो उन्होंने एक हाथी को और एक कछुए को, जो इसमें विवरण आया है, एक ही पंजे से हाथी और कछुए को उठा लिया. और जब वो उड़ रहे थे इंद्र के पर्वत की तरफ, तो ये बहुत बड़ा बरगद का पेड़ बीच में आया. उन्होंने सोचा कि मैं एक पर्वत के बरगद के पेड़ पे बैठ के ये हाथी और कछुए को खा लेता हूँ. पर गरुड़ और हाथी और इसका वेट वो सह नहीं पाया, और वो डाल टूट गई. अब जब वो डाल टूट गई, तो नीचे सारे ऋषि मुनि वो कर रहे थे तपस्या. जब वो तपस्या कर रहे थे, अब गरुड़ को लगा कि अगर ये डाल वो गिर जाएगी सबके सब मर जाएंगे. तो वो गरुड़ इतने छोटे से वेरी पर इतना पावरफुल, उन्होंने वो वृक्ष की टहनी और हाथी और कछुए को उठाया, आसमान में उड़ते उड़ते खाया. उनके इस पराक्रम से सब इतने प्रसन्न हुए, उन्हें अमृत का कलश मिल गया, और उनकी माँ और वो दासी भाव से छूट गए. एक और पॉइंट अगर आप सुनना चाहते हो तो सुनाऊंगी, नहीं तो मैं वाइंड अप कर देती हूँ. पॉइंट ये है, जब राक्षस ये श्रीलंका से आ रहा था, रावण जब वो उड़ के आ रहा है, जो अंजू उस पॉइंट को टच ही नहीं करा, इट्स अ ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन कि कैसे वो समुद्र के इस तट तक आते हैं, फिर समुद्र क्रॉस करके मारीच की गुफा में जाते हैं. जब आप विवरण पढ़ोगे ना, और अगर आपने गॉड जोन कंट्री देखी है, केरला अगर आप गए हो और गॉड्स ऑन कंट्री का आपने डिस्क्रिप्शन सुना है, एग्जैक्टली दैट. सारे के हमारे जो महाभारत है, रामायण है, इसमें ज्योग्राफी भी पूरी है, इसमें हिस्ट्री के भी सारे कॉन्सेप्ट हैं पूरी, इसमें एस्ट्रोनॉमी भी है, और सारे विवरणों को लेके साइंटिस्ट अपडेट कर रहे हैं, हिस्टोरियंस डेट कर रहे हैं. तो जब वो अपने विमान से आता है, तो साल के वृक्ष, चंदन के वृक्ष, अगरू के वृक्ष, छोटे छोटे, मैंने लिख रखा है पर टू मच हो जाएगा, छोटे छोटे गोल मिर्ची के, काली मिर्ची के पेड़, और वहां पे बैक वाटर्स, पूरा वो जो है वो केरला का डिस्क्रिप्शन है. वहां से वहां उतर के फिर वो मारीच की गुफा में जाते हैं. अब कोई कुछ और कहना चाहता है तो, लंबा हो गया ये सेशन, अगली बार सिर्फ 10 एपिसोड वो करेंगे हम. सर
यस सर। अभी मुझे सिर्फ अशिमा एक ही कहना पॉइंट चाह कहना रही थी था। कुछ। अशिमा हाँ जी हाँ जी, मुझे सिर्फ एक ही पॉइंट कहना था। एक तो सपना जी ने बता दिया, वो जो अच्छे राजा के जो कर्तव्य है वो सपना जी ने बता दिया। एक मुझे यहाँ पे सिर्फ, मेरा पॉइंट तो लंबा था पर मैं उसको शॉर्ट करके बता रही हूँ कि जैसे मारीच का आज ये डिस्क्रिप्शन था, तो इसमें भगवान राम जो थे उनके पास जो शस्त्र और अस्त्र थे वो इतने, मतलब कहते हैं एटम बॉम्ब से भी ज्यादा पावरफुल थे। तो उन्होंने यहाँ पर जब कारका जो मारीच की मदर थी, तो उसको जब बालावस्था में वाल्मीकि से आप जाते हैं, तो वहां पर वो ताड़का वध के लिए सबसे पहले एक अपना ब्रह्मास्त्र, जो जिसको कहते हैं अस्त्र यूज करते हैं, जिसको कहते हैं वज्र अस्त्र। तो उन्होंने इस टाइम जो है ताड़का को मारने के लिए वज्र अस्त्र यूज किया था। और फिर उस टाइम क्योंकि मारीच ताड़का का पुत्र होता है और मारीच भी ताड़का के साथ ही होता है, तो राम जी को मारने की कोशिश करता है। तो फिर यहाँ पर राम जी ने दूसरा अपना ब्रह्मास्त्र दूसरा यूज किया, जिसका नाम था मानवास्त्र। तो मानवास्त्र जो था वो उसका उसकी विशेषता ये थी कि वो एक शत्रु को मारता नहीं था, किसी भी शत्रु को वो क्या करता था, सिर्फ उसको 100 योजन दूर तक फेंक देता था। तो इसीलिए मारीच को जो अभी अंजू ने बताया था, तो मारीच को जो है उन्होंने इस शस्त्र के अस्त्र के द्वारा उन्होंने समुद्र में फेंक दिया था। तो बाकी के मानवास्त्र जो है, बाकी के शस्त्र में फिर नेक्स्ट सेशन में डिस्कस कर लेंगे। तो अभी मेरे एक ये पॉइंट था। और दूसरा पॉइंट था कि सीता जी उसको देखकर, मृग को देखकर किस प्रकार जो है मोहित हो जाती हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट और भी हो सकता है कि शायद कोई सुपर पावर होती है। जब हमारा कुछ करना होता है, कुछ होना होता है, तो सुपर पावर हमें चला रही होती है उस टाइम। तो मुझे लगता है कि शायद जो सीता जी के ऊपर वो सुपर पावर काम कर रही थी, क्योंकि वही रावण को मारने में एक निमित्त थी। अगर रावण अपहरण ना करता तो शायद हम रामचंद्र जी जो है रावण को नहीं मार सकते थे। तो ये मेरे अभी दो ही पॉइंट्स थे सिर्फ। अशिमा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि रावण का उद्धार ही श्री राम जी से था। वो आज का सेशन हो गया बहुत लंबा, तो मेरे इसीलिए ख्याल मैंने शॉर्टकट से आज कर दिया मैंने। आज इसलिए कंक्लूड ही कर देते हैं, बहुत लंबा पहुंच गया है। तो थैंक यू सो मच अंजू, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने आज का विवरण किया है सर का। एक्चुअली लिटरली मैं पढ़ नहीं पाई थी, तो बिल्कुल मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि मेरे सामने ही एक पिक्चर चल रही हो। तो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू एवरीवन। और आज के सेशन के बाद वी हैव आल्सो डिसाइडेड कि हम जैसे 10-10 सर कर रहे थे, हम उसी तरह से ही चलेंगे। हम नहीं करेंगे इस हाँ तरह से कि 20-20 सर लें, क्योंकि देखिए समय भी ज्यादा लगता है और हम एक्सप्लेनेशन जो करना चाह रहे हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सपना को भी बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ा, जिसके लिए आई एम फीलिंग बैड कि भाई होना चाहिए था और डिटेल में थोड़ा सा। बन्ना जी, हम ना 25 साल रह गए हैं, तो 12 और 13 कर सकते हैं। पच्चीस हाँ ऐसे कर लेंगे, 12 और 13 कर लेंगे, कोई बात नहीं। रह गए इसमें। हाँ तो इसी नोट के साथ आई वुड लाइक टू वाइंड अप। मेरे को लग रहा है बहुत लेट हो गई है, काफी लोग छोड़ के भी चले गए सेशन अब तक। तो थैंक यू सो मच, नमस्कार, सबसे मुलाकात होगी अगले ट्यूसडे। और किसी को आना है हमारे स्टोरी टेलिंग सेशन में तो आइए जरूर। सैटरडे की सैटरडे हम बच्चों के लिए पंचतंत्र की कहानियां लेके आते हैं। नमस्कार।